हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बेबी का, बोर्न बेबी का या फिर 3-4 महीने का जब बेबी होता है, जो बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है कि उसको भूख लगी है या वो क्यों रो रहा है, उसका कैसे पता लगाए कि वो भूखा रो रहा है या फिर उसका पेट भरा है, वो क्यों रो रहा है। चलिए जानते हैं। जब हमारा दूध जो है बच्चे को कम पड़ता है और वो फिर भी, यानी कि हमने दूध अपनी तरफ से पिला दिया है, अपना जो बेबी फीडिंग कराती है वो कराने के बाद भी यदि हमारा बच्चा रोता रहता है, तो समझिएगा कि उस बेबी का पेट नहीं भरा है। चाहे वो 3-4 महीने का हो या 2 महीने का हो या फिर वो 8-7 महीने का हो। यदि दूध पीने के बाद बच्चा सो जाता है तब उसका बच्चे का पेट भर जाता है, अन्यथा यदि वो फिर भी रोता रहता है तो इसका मतलब है कि उसे आपको ऊपर से दूध पिलाना होगा। उसके लिए आप गाय का दूध ले सकते हैं। यदि दूध पीने के बाद बच्चा जो है रोता रहता है, तो हो सकता है कि उसके पेट में दर्द है या फिर कहीं भी उसको दर्द हो सकता है, यदि दूध पीने के बाद भी बच्चा रोता है तो। कभी कभी बच्चा नैपकिन की वजह से भी रोता है, यानी कि उसका डायपर जो है गीला हो चुका होता है, इसके लिए भी रोता है, इसलिए वो भी आपको देखना होगा, चेंज करना होगा। और जो है उसका पेट का मैंने बता ही दिया है कि यदि उसका पेट भरा है तो वो तब नहीं रोएगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।